हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। तो कल मैं शाम को निकली थी बाहर, उसी की थोड़ी सी वीडियो मैंने यहाँ पे ले ली है। तो अभी ये सब सारी चीज़ें शाम के समय में हम लोग स्नैक्स में काम आती है, तो इसलिए ये सब ख़त्म हो चुकी थी। तो कुछ चिप्स के पैकेट हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, तो कुछ ये जो फ्राई चीज़ें हैं, एक्चुअली ये चावल का बनाया जाता है, तो बहुत अच्छी लगती है। ये ऑयल बिल्कुल ही लेस है तो इसीलिए पसंद है। और इसमें कुछ गुलाब जामुन मैं लेकर आई थी। और शाम का ही समय है, मतलब कि ये आज का नहीं, ये यस्टरडे नाइट का, मतलब इवनिंग का है टाइम। तो 7 बजे का टाइम हो रहा है, 7 से 7:15 का टाइम हो रहा है। तो बच्चे की ट्यूशन वगैरह सब हो गई थी, इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर भी चले गए थे। और ये घर के आने की बात की है, थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड की है। और ये बेटा मेरा इस समय थोड़ा सा खेलेगा अभी, और इसके लिए अभी एग्ज़ाम्स चल रही हैं। तो जैसे ही कुकिंग वगैरह से मैं फ्री हो जाऊँगी, रात को थोड़ी वही रोटी बनानी होती है, तो फ्री हो जाऊँगी, थोड़ा सा उसको लेके बैठूँगी, मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह वो सब करवा दूँगी। और इसी तरह से इवनिंग रूटीन चलती है। आज भी हम लोग शाम को थोड़ा सा निकलेंगे बाहर, तो अभी गणेश चतुर्थी है, तो बाहर शाम के टाइम में जाना तो बनता है ना। तो थोड़ी सी क्लिप मैं ऐड करूँगी अगर ले पाई तो। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है ट्यूसडे का। तो बेटे की आज एग्ज़ाम्स हैं, मैथ्स की एग्ज़ाम है, तो आज सुबह में मैं उसी के लिए थोड़ा सा पोहा बना रही हूँ। तो कुछ वेजिटेबल वगैरह मेरे जैसे कैरेट वगैरह नहीं थे, तो वो आज मैं मंगवाऊँगी। तो लिस्ट मैंने दे दिया है आज वेजिटेबल की। तो सिर्फ मैं पोहा आज आलू के साथ ही, मतलब बॉयल्ड आलू कल रात को ही बॉयल करके रख दिए थे उसको फ्रिज में, तो उसी के साथ मैं आज बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ऑयल गरम किया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सरसों के दाने डाले और बारीक कटी हुई प्याज को डाला और एक हरी मिर्च, मतलब बहुत बड़ी साइज़ थी इसलिए मैंने हाफ ही हरी मिर्च दिया है, तीखी है वाली है ये। हल्दी पाउडर दूंगी थोड़ा सा, और इसी में जो है बॉयल्ड आलू को डाल के उसको भून लेंगे अच्छे से। आलू डालकर मैं ये पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं जब भी पोहा बनाती थी तो मैं पीनट वगैरह डालती थी। तो पीनट तो मेरा बेटा खाएगा नहीं, तो जस्ट उसी के लिए ही मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, और आलू भी थोड़े ज़्यादा ही मोटे मोटे से कट गए थे, मतलब सुबह में होते थोड़ी सी हड़बड़ी, तो बाद में मैंने देखा तो छोटे 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 और आलू होने से अच्छा होता है, तो ये थोड़े बड़े ही भी पीसेस चले गए थे, तो कोई नहीं। उसके बाद तो मैंने ये चूड़ा को सुबह उठते उसको अच्छे से धो लिया था 2-3 बार करके, और फिर उसमें चीनी, हल्का सा ही चीनी स्प्रिंकल किया था, और थोड़ा सा नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दिया था, और उसको मैरिनेट करके रख दिया था मैंने कुछ देर के लिए, तो खिले खिले से जो है ना चीड़े हो जाते हैं। और इसको इसी स्टेज में डाल दिया है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है, और बॉयल तो मेरे हैं ही आलू, तो बस इसको मसालों के साथ अच्छे से चला देंगे, बस बन के तैयार हो जाती है। और नींबू का रस लास्ट में दे दूँगी, और इसको गरम गरम ही खाया जाए तो गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल मज़ा नहीं आता खाने में। Thank you.
तो पोहा तो बन के हो गया है तैयार, लेकिन पोहे से तो कुछ होगा नहीं, मुझे अलग से फिर एक जो है ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी बनानी होगी। रोटी मैं आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि रोटी की आज ज़रूरत है नहीं, तो आज सिर्फ आलू की सूखी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी सुबह ब्रेकफास्ट में। तो जो पोहा मैंने बनाया है वो उससे तो मेरा और मेरे बेटे का हो जाएगा, और बाकी जो है ब्रेड वगैरह के साथ आज ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो आलू की सूखी सब्ज़ी के लिए सबसे पहले तो मैंने तेल गरम किया है, और दे देगी बेटा भी क्योंकि किचन में आ गया है, बोलते बोलते मम्मा मेरा बेल्ट उसको पसंद नहीं है लगाना, तो इसके एग्ज़ाम्स चल रही है ना, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाना ज़रूरी है, यही मैं समझा रही थी उसको। तो ये ना बिल्कुल भी बेल्ट वेल्ट लगाता नहीं है, तो उसको लगता है शायद जितना भी लूज़ करके पहनाओ तो उसको अनईजी सा फील होता है। तो मैंने बोला कि और कुछ दिन तक तुम पहन लो ऐसे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाने भी ज़रूरी होती है, और उसका आदत भी छूट जाएगी तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आलू की सूखी सब्ज़ी मैं सुबह बना रही हूँ, एक्चुअली इसको सुबह में ही फिनिश कर दूँगी क्योंकि ये रात की बॉयल्ड आलू है ना, तो ज़्यादा देर तक रखूँगी ख़राब हो जाने के चांसेस रहेंगे। तो नॉर्मल वही प्याज, हल्का सा पहले जीरा मैंने डाला, फिर कटी हुई प्याज को डाल दिया, हल्का सा वो ट्रांसल्यूसेंस हो गया, फिर मैंने इसमें हरी मिर्च को डाला है और फिर आलू को डाल दिया। अभी बेसिक से जो मसाले होते हैं ना, जीरा, धनिया, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, वो ऐड कर दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर तो कुक करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आलू तो मेरे ऑलरेडी बॉयल्ड ही हैं। और धनिया पत्ता अगर अवेलेबल हो आपके पास तो आप ज़रूर से डालना, मेरे पास नहीं थी। और सूखी आलू की सब्ज़ी और पोहा बनके हो गया है तैयार, और अभी मैं लंच की तैयारी कर लूँगी झटपट से। और सुबह ज़्यादा अभी टाइम भी नहीं हुआ है, 9:45 के करीब ही हो रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो आज सुबह में ना पूरे घर की जो है ना, मतलब इतनी ज़्यादा मकड़ी के जाले वगैरह पड़ रहे, सबसे में जो मतलब फ़ैन वगैरह चलते रहती है ना, इसी वजह से इतनी मकड़ी के जाले, पूरे घर की आज मैंने सफाई की है, जितने ही मकड़ी के जाले थे वो सबको साफ़ किया है। इनको भी बीच बीच में साफ़ करते रहना ज़रूरी होता है, नहीं तो ना एक सफोकेशन सा लगता है। थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और बस बन के हो गई है तैयार आलू की सब्ज़ी। और थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी ना, इसे आलू को ना एक साइड करके रख दूँगी, कढ़ाई में ही रहेगी, एक साइड करके रख दूँगी, इससे क्या जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो कढ़ाई में वापस आ जाएंगे। और अभी इतना मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, मैंने आज सिंपल सी मसूर दाल में जो है लौकी को मतलब बॉईल कर लिया नमक हल्दी के साथ, और बस इसको जीरा, सूखी लाल मिर्च और एक तेज़पत्ता डालकर अच्छे से जो है तड़का लगा देंगे। और ये लौकी वाली दाल मुझे अभी आजकल बहुत पसंद आ रही है, तो लौकी फिनिश भी करनी है ना, इतनी बड़ी लौकी मतलब ज़्यादा मेंबर तो है नहीं घर में, तो इसलिए बहुत दिन तक रह जाती है, लेकिन वही है कि सूख जाती है, मतलब फ्रिज में भी रखो तो ना थोड़े से सूखने लगती है अंदर अंदर, तो अभी तक ठीक है, आज कल में ही फिनिश हो जाएगी। और मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम क्वांटिटी में ही लौकी डालती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में लौकी डालने
डालने से ना फिर मुंह में हमेशा लॉक ही जाएगी मैं जितनी बार उठाऊंगी, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ। तो उधर मैं मिक्स वेजिटेबल, आज खूब सारे वेजिटेबल कट करके रखा है मैंने, तो जो भी मैंने फ्रिज में स्टोर थे जैसे कि रॉ बनाना थे, ब्रिंजल वगैरह, वो सब भी मैं निकाल दूंगी। और आज जो फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं जैसे कैरेट, बीन्स और बाकी और भी वेजिटेबल जो आप वीडियो में देख पाओगे, तो मुझे इस तरह से जो है ना 5-6 तरह की सब्ज़ियाँ मिलाकर बनाओ ना, तो ज़्यादा मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ना, और सब्ज़ी का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो मुझे वीक में एक दिन ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है बनानी। एक तो मतलब ज़्यादा तेल मसाले भी नहीं लगते हैं, और प्याज लहसुन का तो कोई झमेला ही नहीं है। रोज़ रोज़ की वो प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी ना, मैं एक दिन ऑफ करके आप इस तरह से बना के देखना ना, बहुत अच्छी लगती है। तो ये थोड़े बड़ी है चना बड़ी, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं तो ये जलने लगते हैं। तो हल्का सा बस इसको ब्राउन कर लेंगे। और इधर देखिए ढेर सारी सब्ज़ियाँ मैंने काट करके रखी हैं, उसमें कच्चा केला है, बीन्स, गाजर, बैंगन, आलू, फिर पम्पकिन है, और इधर आप साइड में और भी देख पाओगे। इधर मसालों में मैंने तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च लिया है, हरी मिर्च तो ज़रूर से है मैंडेट, बिना हरी मिर्च का अच्छा स्वाद आएगा ही नहीं। और सारी सब्जियों को ना एक एक करके मैं अलग अलग फ्राई कर लूँगी, नमक हल्दी के साथ ही फ्राई करूँगी। और रॉ बनाना को सबसे पहले डाला इसलिए क्योंकि एक तो बैंगन बहुत ज़्यादा तेल खा लेगी, तो बैंगन को मैं तभी फ्राई करूँगी जब मुझे लगेगा कि सारी सब्ज़ियाँ जो है पहले फ्राई करनी थी, जो उसको मैं कर लूँगी, फिर मैं बैंगन को बाद में लास्ट में जो ऑयल बचेगा उसी में फ्राई करूँगी। तो बैंगन में मैंने कोई पहले से नमक हल्दी ऐड करके नहीं रखा है, मैं डायरेक्ट कढ़ाई में डालकर ही नमक हल्दी के साथ ही इसको फ्राई कर लूँगी। तो रॉ बनाना को सारे वेजिटेबल को जितना हो सका मैंने सेम साइज़ देने की कोशिश की है ताकि एक तरह से गलने में आसानी हो। तो हल्का सा ब्राउन करूँगी सारी सब्जियों को एक एक करके, और इस तरह से एक बार बना के देखना फ्रेंड्स, पूजा भोग पंडाल जैसी जो खिचड़ी के साथ जो सब्ज़ी सर्व की जाती है ना, ठीक वैसा ही टेस्ट आता है। तो कोई भी मसाले इसमें नहीं, नॉर्मल खाली जीरा पाउडर और धनिया पाउडर एक बिल्कुल हल्का सा, और लास्ट में बस थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हाँ एक चीज़ धनिया पत्ता अगर अवेलेबल है तो लास्ट में ज़रूर से डालना। नहीं भी डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरम मसाला थोड़ा सा अगर आप डाल रहे हो ना, और ये सारी सब्ज़ियाँ जब एक साथ मिल जाती है ना तो इसका स्वाद ही बढ़ जाता है, तो मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो किन लोगों ने ट्राई किया इस तरह से सब्ज़ी मुझे बना के, कमेंट करके ज़रूर से बताना। ढेर सारा आपका मुझे प्यारा प्यारा सब कमेंट चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके हर दिन वीडियो पोस्ट करने के लिए। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूँ, मैं कोलकाता से हूँ और मेरा नाम है रूपा मंडल। अभी तो मैं डेली ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, तो अभी मेरे जो भी ब्लॉग मैं बना रही हूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो जल्दी से अभी कि अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा कमेंट अभी छोड़ दीजिए, प्यारा प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे अच्छा लगे। और मैं हमेशा कमेंट देखती रहती हूँ, लेकिन अभी तक तो कमेंट वैसा आया है नहीं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट का। और आप लोग कहाँ से हो, कौन से लोकेशन से देख रहे हो ये वीडियो, वो भी ज़रूर से कमेंट में मेंशन करना। तो ये बैंगन जो है अच्छे से ना गल चुकी है, ज़्यादा मैं फ्राई अब नहीं करूँगी नहीं तो पूरे गलने शुरू हो जाएंगे, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। और इसको एक साइड करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, देखिए इसमें से ऑयल निकल रहा है। अब क्या करूँगी, बाकी के जो भी वेजिटेबल बचे हुए हैं, अब लास्ट ये पम्पकिन को ही फ्राई करना है नमक हल्दी के साथ ही, हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए, फिर ये इसको भी फ्राई करके अलग साइड में निकाल लेंगे। और इसके साथ ना खिचड़ी बहुत अच्छी जाती है, लेकिन खिचड़ी बनाने का आज मेरा कोई प्लान है नहीं वैसे, तो आज मैं सिंपल सी वही राइस ही बनाऊंगी, वो दाल बन गई है लौकी वाली, और ये सब्ज़ी बनाऊंगी। और बेटे के लिए थोड़ी सी ऑमलेट की भुर्जी बना दूँगी, बस आज का लंच मेरा यहीं पर हो जाएगा, बस एक्स्ट्रा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। रात को अगर भिंडी की ज़रूरत पड़ी, अगर बेटे ने डिमांड की तो मुझे बनानी पड़ेगी रात को, अभी तो मैं और कुछ सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, मूड नहीं है। वैसे ही मैंने इतना सारा वेजिटेबल कट किया
तो मुझे और मन नहीं है कि और कुछ वेजिटेबल बनाऊं। तो राइस वगैरह अभी बनाई नहीं है, राइस अभी मैं बनाऊंगी, मतलब थोड़ी देर में चढ़ा दूंगी, जब ये होने को हो जाएगा ना, सब्ज़ी आधी बन जाएगी तब मैं राइस को चढ़ा दूंगी। और बेटा तो 11:15 को उसकी छुट्टी होगी, सारे 11 तो बज ही जाएंगे घर आते आते। तो थोड़ा सा ही उसने पोहा लिया था सुबह को, आएगा तो एक ही बार वो लंच ही कर लेगा। और इस तरह से देखिए पम्पकिन को ब्राउन कर लेंगे। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी प्लेट में अच्छे से, और इसमें जो है अब जो तड़का मैं यूज़ करूँगी उसको डाल दूँगी, उसके बाद फिर आलू को डाल दूँगी तड़के में, जैसे जीरा, तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, बस और कुछ नहीं डालूँगी, इसी से फ्लेवर आ जाएगा। हल्की सी चीनी मैं ज़रूर से स्प्रिंकल करूँगी, क्योंकि एकदम थोड़ी सी, मतलब एक चुटकी के करीब, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है एक सब्ज़ी में। तो जब भी पूजा भोग पंडाल में हम लोग खाते हैं ना, तो वो लोग भी चीनी ज़रूर से यूज़ करते हैं, थोड़ा सा देखना एक मीठा मीठा सा एक स्वाद लगता है। तो वैसे भी तो गाजर भी मीठी होती है, पम्पकिन भी मीठी होती है, तो आप डालने को डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन एक चुटकी आप डाल के देखना और बिना डाले देखना, तब आपको फ़र्क समझ में आएगा। अभी आलू को भी मैं मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और इसी के साथ मैंने दे दिया इसमें गाजर और बीन्स को। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्का सा कलर ना आ जाए इसमें, गोल्डन कलर, और बाकी के सब्ज़ियाँ मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे सब्ज़ियों को। देखिए सारी सब्ज़ियों को, सिर्फ बैंगन को अभी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि बैंगन तो पूरी गल जाती है नहीं तो। अभी जितने भी वेजिटेबल जो मैंने फ्राई करके रखे थे, जो बड़ी भी मैंने मतलब फ्राई करके रखी थी, उसको एक ही साथ अभी इसी स्टेज में मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मसालों के साथ चला लेंगे, बस जीरा और धनिया ही डालना है पाउडर, और कुछ नहीं डालना, हरी मिर्च मैंने डाल दिया है, और इसमें पानी भी मैं ऐड करूँगी। अभी मैं जीरा और धनिया ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा ये भुन जाए, बैंगन डाल के अच्छे से इसको चला लेंगे, अच्छे से फिर से चला लेंगे, फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे, मतलब इतना ही पानी डालेंगे जिसमें कि सारी सब्ज़ी आराम से कुक भी हो जाए और ज़्यादा ग्रेवी भी ना रहे, क्योंकि मैशी मैशी से सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मुझे तो ये रोटी पराठे इवन मतलब वाइट राइस के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हर दिन तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ वीक में एक दिन आप बना के देखना, इस तरह से आप सभी को भी बहुत अच्छी लगेगी, मतलब जो वेजिटेरियन है ना उनके लिए तो ये सब्ज़ी बहुत मतलब हेल्दी तो है ही और टेस्ट में भी लाजवाब। तो इसमें चाहो ना तो आप और भी वेजिटेबल, जितना वेजिटेबल ऐड कर सकते हो आप, उतना अच्छा इस सब्ज़ी का स्वाद आएगा सारी सब्ज़ियों को जब मिला के बनाऊँगे। तो मेरे पास 5-6 तरह की इनफ है, इससे ज़्यादा सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो, या वैसे ही सब्ज़ी तो लवर कोई है नहीं घर पे, उतना कोई सब्ज़ी खाता नहीं है, तो ज़्यादा हो बना के कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसी वजह से जितना लगेगा हमारा ये भी सब्ज़ी ना हमारी ज़्यादा ही हो जाएगी। थोड़ी सी देखिए मैंने चीनी ऐड कर दी है, अब इसको अच्छे से चला लेंगे, और बस पानी देने का टाइम आ ही गया है। पानी देकर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको कुक होने के लिए लो मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, और 5 से 10 मिनट में ही ये सब्ज़ी, 10 मिनट भी नहीं लगेगी,
ऑलरेडी कुक हो ही चुकी है, बस 5 मिनट ही लगेगी। और पानी देने के साथ ही धनिया पत्ता हो ना आपके पास तो ज़रूर से डालना। बस हो गई आपकी आपकी ये सब्ज़ी तैयार। तो फ्रेंड्स, ये लंच व्लॉग आज की मेरी यहीं तक थी। कैसी लगी आपको? होप आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए आप और आपकी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू माई न्यू सब्सक्राइबर्स, माई फ्रेंड्स।